एक ऐसा व्यक्ति जिसे कारोबार में बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान लग गया, भारी नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कि अपनी संपत्ति बेच करके भी वो लोगों को न चुका सके। उसने व्यापार की स्थिति को देखा और सोचा कि अब इसे संभाल पाना मुश्किल है। रंच मात्र विचलित नहीं हुआ, उसने अपने सारे लेनदारों को बुलाया, अपना चिट्ठा खोला, कहा भैया मेरी स्थिति आप सबके सामने है, मैं ऐसी स्थिति में आप लोगों का पैसा देने की स्थिति में नहीं हूँ, पर मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरे ये एसेट्स हैं, ये सारे आप ले लो, आपस में बांट लो, मैं अपना गुजर बसर किसी भी तरीके से कर लूँगा, नौकरी करके अपने जीवन को आगे बढ़ा लूँगा, और जिस दिन मेरी स्थिति अनुकूल होगी आप सबका पाई पाई चुकाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है। उस व्यक्ति को सभी लोग जानते थे, उसकी नीयत पर सभी को भरोसा था। जो लोग लेनदार थे उनने कहा भैया हमें तुम पर भरोसा है, विश्वास है, गलत नीति से तुम्हें नुकसान हुआ, गल्ले का कारोबारी था, कुछ ओवर स्टॉक कर लिया, उसमें मंदी आ गई, नुकसान हो गया। बोला गलत नीति के कारण तुम नुकसान खाए हो, पर तुम्हारी नीयत अच्छी है, कोई बात नहीं, तुम्हें अब न तो अपनी संपत्ति बेचने की जरूरत है न कुछ और, आप अपना कारोबार करो। और उस घड़ी में उसका एक मित्र जो उसको पहले से ही लेनदार था 20 लाख रुपये और दिए, कहा अपना व्यापार शुरू करो, अपना व्यापार शुरू करो, आगे बढ़ो, उम्मीद मत हारो। उस आदमी ने उस पैसे से व्यापार शुरू किया, आगे बढ़ा, 2010 की ये घटना है, और वापस ऐसा खड़ा हो गया कि 2016 में मेरे पास आकर कहता है महाराज मुझे गुनायतन का ट्रस्टी बनना है। ये चमत्कार, वो दान देकर गया, वो दान देकर गया, किसके बल पर? उम्मीद के बल पर, आशा के बल पर, नेक नियति के बल पर। यदि इसकी जगह वो हार मान जाता, भागता, इधर उधर मुंह छिपाता फिरता, तो सब कुछ खो बैठता। तो आशा को कभी मत खोइए। समय का चक्र जब तक उल्टा होता है, हर प्रयास में चोट पहुंचती है, और समय का चक्र जब सुधरता है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी उपलब्धियां दे देती है। घबराना नहीं चाहिए, विपत्तियां आती है तो चारों ओर से आती है, और दिन बहुरते हैं तो एक साथ